वेलकम टू बाजी की दुनिया कनाडा में। एंड हमारे यहाँ पर लॉन्ग वीकेंड है क्योंकि मंडे को है विक्टोरिया डे और सैटरडे तो वैसे ही बहुत बिजी होता है बिकॉज इट्स अ वीकेंड। तो बच्चों ने डिमांड की कि हमें कुकी बना दिया जाए घर पे, तो मैं जो कुकी डो लेकर आई थी मैं उसके कुकीज़ बना रही हूँ। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप बेक कर सकते हैं कुकी। मैंने सिर्फ इसको 350 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पे बेक किया है एंड ये देखें कितने अच्छे बन रहे हैं। और बेक्ड कुकी की जो खुशबू होती है ना जब बेक हो रहे होते हैं वो बहुत अच्छी लगती है। बच्चे तो बहुत क्रेव कर रहे थे फ्रेश घर के बने हुए कुकीज़, तो इसलिए मैंने घर पे बना लिए। टिम हॉर्टन्स की कुकी की वो मज़ा नहीं होता जो आप घर पे बना सकते हैं एंड दे वर सो वार्म एंड सॉफ्ट। तो ये गर्मा गर्म ही खाने अच्छे लगते हैं, थोड़े ठंडे हो जाएँ तो फिर ये इतना मज़ा नहीं आता कुकी खाने का। इट वॉज़ वेरी डिलीशियस बाय द वे। मैंने वॉलमार्ट से ये पैकेट लेती हूँ कुकी डो का एंड आई एम लाइकिंग इट अ लॉट। बच्चों का दिल करता है कि वीकेंड पे ना हमें कुछ स्पेशल बना कर दिया जाए। नाश्ते में बच्चे डिमांड करते हैं पैनकेक्स ऑन द वीकेंड एंड जैसे कुकीज़ डिमांड करते हैं या फिर पिज़्ज़ा या फिर बाहर खाना या फिर टेक अस टू द पार्क या बीचेस। तो लेकिन मैंने ये डिनर में बनाया फिर मेथी बिकॉज मेथी मेरे पास मैं 3 दिन पहले लेकर आई थी तो मैंने ये बनानी थी बिकॉज ये ख़राब हो जाती है अगर आप उसको ज़्यादा देर तक फ्रिज में रखते हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई कि मैं मेथी के सिर्फ 3 बंचेस लेकर आई क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी फैमिली के लिए कितनी मेथी इनफ होगी। तो मैंने सोचा चलो हमारी छोटी सी फैमिली है 3 बंचेस विल बी गुड। सो व्हेन आई मेड देम आप एंड पर देखना कि मेथी इतना काम करने के बाद कितनी बनी। तो आई वॉज़ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड बिकॉज इतनी मज़ेदार सी मेथी बनी थी बट इट फिनिश रियली क्विक। सब ने वैसे बहुत पसंद भी की, बच्चों को बहुत पसंद आई, शोहर को भी बहुत पसंद आई। काफ़ी अरसे बाद मैंने मेथी बनाई है, वुड से लाइक मैंने बहुत अरसे बाद मेथी बनाई है क्योंकि मैं ज़्यादातर वॉलमार्ट से ग्रोसरीज करती हूँ, मैं देसी स्टोर्स पे नहीं जाती। तो इस दफ़ा मैंने ना अम्मी जान से कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, सुबह का टाइम था तो हम ना ग्रोसरीज करके आते हैं, मुझे कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स ख़रीदनी है। मुझे ना जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं ग्रीन खाने का बहुत दिल कर रहा है। तो हम देसी स्टोर गए और वहाँ बहुत फ्रेश मेथी पड़ी हुई थी और मैं अम्मी जान ने कहा 3 बंचेस ले लो, 3 काफ़ी होंगे तुम्हारी फैमिली के लिए। पर अम्मी जान अभी इस वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा कर लें कि दिस वाज नथिंग। आई शुड हैव गॉट लाइक 6 ऑफ देम एटलीस्ट, 6-7 बंचेस होने चाहिए थे फिर क्योंकि मेथी ना पककर बहुत थोड़ी हो जाती है। बट इट वॉज सो डिलिशियस और मैंने एक ही उसमें आलू डाला बिकॉज आलू हमारे घर में इतना नहीं खाया जाता, शोहर भी नहीं खाते, वो कहते हैं कि आलू में कार्ब्स ज़्यादा होते हैं सो वो अवॉइड करते हैं कार्ब्स खाना। ही ईट्स लाइक कीटो रोटी, तो साथ में वेजिटेबल्स साउंड्स गुड। और गर्मियों का मौसम है तो ग्रीनरी ज़्यादा मज़े की लगती है। एंड जब तक मेथी बन रही थी मैंने सोचा कि मैं बर्तन पहले फिनिश कर लूँ, बर्तन भी काफ़ी हो गए थे धोने वाले वाइल कुकिंग, हमेशा हो जाते हैं। और डिश वॉशर तो मैंने भरा ही हुआ था लेकिन जो हाथ से धोने वाले बर्तन होते हैं ना उनका भी बहुत काम होता है। तो जब तक खाना बनता है तब तक किचन साफ हो जाता है, फिर रोटी बना के बच्चों को दी। दैट्स रूटीन लाइफ दैट एवरी मदर हैज़ दैट रूटीन लाइफ। ये गाइस मैं लेके आई हूँ कुकी डालने के लिए कुकी जार, तो ये इतना ज़बरदस्त जार है, इसको मैं धो के रख रही हूँ। तो जैसे हम कुकीज़ लेकर आते हैं ना बच्चों के लिए उसको मैं इसमें डाल के रख दिया करूँगी ताकि बच्चे आराम से खा सकें। और ये एयर टाइट होता है तो कुकी ना सोगी नहीं होते और इसके ऊपर पड़े हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसको मैं काउंटर पर रखूँगी। आई रियली लव कुकी जार एंड हियर इज़ माई मेथी विच इज़ रेडी। गाइज देखें पककर कितनी निकली है, आई वॉज सो शॉक टू। और बच्चों को मैंने इस तरह रोल बना दिया करती हूँ तो क्या होता है कि बच्चे सालन को ना मिस नहीं करते, अगर मैं रोल ना बना कर दूँ ना तो बच्चे सालन को ख़त्म नहीं करते, लगा लगा के बस खाते हैं थोड़ा थोड़ा। एंड गाइज मेरी वीडियो बहुत छोटी थी बिकॉज आई वॉज एन एक्सपेक्टिंग कितनी छोटी रिकॉर्ड हुई होगी, इट वॉज जस्ट अ मिस्टेक। एनी वेज गाइज अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद है तो फिर सब्सक्राइब तो करें ही, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, लाइक करें। कल 6 AM टोरंटो टाइम फिर से मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाय।